नमस्कार, सरोज द एप्रन गर्ल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे फूलगोभी से बनने वाला बहुत ही चटपटा नाश्ता। फूलगोभी से हम सब्जी बनाते हैं या फिर पराठे, लेकिन आज मैं फूलगोभी से बहुत ही चटपटा नाश्ता बनाकर आपको बताऊंगी, जिसे आप रोज़ बनाकर खाएंगे इस ठंड के मौसम में। और अगर शाम की चाय के साथ ऐसा गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए तो चाय का मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो चलिए इस नाश्ते की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए देख लेते हैं फूलगोभी का टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनाने के लिए हमें किस किस सामान की जरूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फूलगोभी लिया है, ये आधा केजी फूलगोभी है। इसको मैंने वॉश कर लिया है और इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। ये मैंने एक कप बेसन लिया है, आप इसे कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये एक कटोरी के करीब बेसन है। तो ये मैंने एक कप का हाफ यानी आधा कप चावल का आटा लिया है। चावल के आटे की जगह आप सूजी यानी रवा का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें सूजी डाल सकते हैं, उससे भी नाश्ता काफ़ी अच्छा बन जाता है। और इसके साथ ही मैंने ये लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। और ये मैंने लगभग दो बड़े चम्मच के करीब हरा धनिया लिया है, इसको वॉश करके बारीक बारीक कट कर लिया है। ये एक बड़ा चम्मच मैंने अदरक और लहसुन को, इसको भी मैंने काट के लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च। इसके साथ ही मैंने ये आधा छोटी चम्मच अजवाइन लिया है, वन पिंच के करीब हींग हम इसमें डालेंगे, आधा छोटा चम्मच मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है, इसकी जगह पे आप चिली फ्लेक्स ले सकते हैं, और ये 1/4 छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, इससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा हमारे नाश्ते में। और ये लगभग एक छोटा चम्मच मैंने आमचूर पाउडर लिया है। आमचूर पाउडर की जगह आप यहाँ पे नींबू के रस का यूज कर सकते हैं। तो आइए इसी सामान के साथ हम अपना नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बॉईल किया हुआ पानी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग दो ग्लास पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है, और जो हमने ये गोभी के पीसेस कट के रखे हैं ये इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे गोभी के पीसेस को गर्म पानी में डाल दिया है, और अब हम इसको ढक देंगे और ढक करके लगभग 5 से 7 मिनट तक इसी बॉयल किए हुए पानी में इन पीसेस को रहने देंगे, ताकि गोभी में अगर कोई कीड़े वगैरह होंगे तो वो भी साफ़ हो जाएंगे, और साथ ही गोभी जो है वो हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। अब यहाँ पे गोभी को रखे हुए पानी में लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम गोभी को पानी से अलग कर लेंगे। तो इस तरह से एक खाली बाउल लेंगे और उसमें से एक एक पीस को उठाते हुए हम इसे पानी से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे गोभी हमारी अच्छे से साफ हो गई है, अब हम इसको चॉप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक चॉपर ले लिया है, तो उसके अंदर मैं गोभी के पीसेस को डाल के तब इसको चॉप करूँगी। अगर आप चाहें, आपके पास अगर चॉपर ना हो या आप चॉप नहीं करना चाहते, तो आप जो कद्दूकस होता है उससे इसको बारीक बारीक कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो मैं इसमें बारीक बारीक काट के इसको डाल दूँगी चॉपर में। तो एक बार में जितनी आएंगी चॉपर में हम उतनी डाल देंगे। अब इसका ढक्कन लगा करके हम इसको चॉप कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे जो अभी इसमें गोभी डाली थी, फूल गोभी को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप हो गया है इसमें। और इसी तरह से मैं बाकी बची हुई फूल गोभी को भी चॉप करके तैयार कर लूँगी। अब ये देखिए, मैंने सारी फूल गोभी को बिल्कुल बारीक चॉप करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज, के बाद डाल रही हूँ दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटे हुआ अदरक और लहसुन, 1 पिंच हींग, 1 छोटी चम्मच नमक, या फिर नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच अजवाइन, जिसको इस तरह से हाथों से क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। अजवाइन से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है हमारे इस नाश्ते में। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, और कलर के लिए मैं इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ
हल्दी पाउडर और आधा हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और अब हाथों की सहायता से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो मसाले सारे मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे 1 कप बेसन और हमारे नाश्ते को और भी क्रिस्पी सा बनाने के लिए, क्रिस्पीनेस के लिए हम डालेंगे यहाँ पे चावल का आटा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो बना लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। हम इसी मिक्सर से डो बना लेंगे, क्योंकि जो हमने गोभी को गर्म पानी में डाला हुआ था तो गोभी में भी हल्का सा मॉइस्चर था, तो इसी से हमारा ये आटा बन जाएगा। हमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो आप डाल दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमारा डो बन करके रेडी है। अब हम इसमें से लोइयाँ बना लेंगे। अब लोई बनाने के लिए हम हाथों पे थोड़ा ऑयल लगा लेंगे, ताकि जो मिश्रण हमने बना के रखा है वो हाथों पे चिपके ना। तो इस तरह से हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और नींबू के साइज़ का एक बॉल लेंगे और उसको इस तरह से करते हुए, और हम इसे कोई भी अपनी मनपसंद शेप दे देंगे। इस तरह से दबाते हुए यहाँ पे मैं इसे एक टिक्की का शेप दे रही हूँ। आप अपने मनपसंद कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। और इस तरह से बना करके हम सारे तैयार कर लेंगे नाश्ते को। देखिए, इस तरह से हमें सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लेना है। अब आइए फटाफट से इनको फ्राई कर लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल लिया है। हम इसको सैलो फ्राई करेंगे और अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे अब हम अपने नाश्ते को सैलो फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से एक एक नाश्ते टिक्की को हम इसमें रखते जाएंगे। जब टिक्की एक साइड से अच्छे से पक जाएगी तब हम उसे दूसरी साइड पलटेंगे। इसे आप पहले से मत पलटिएगा, नहीं तो ये टूट सकती है। तो जब एक साइड से 2-3 मिनट तक अच्छे से पक जाएगी उसके बाद ही हम इसे दूसरी साइड पलटेंगे। अब लगभग 2-3 मिनट हो गए हमारे नाश्ते को फ्राई होते हुए एक साइड से। अब इनको हम पलट देंगे। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर का आया है हमारे नाश्ते पे, काफ़ी अच्छे से सिक चुके हैं। तो इसी तरह से हम इसको पलटते हुए सारे नाश्ते को इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे तैयार है हमारा बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता, जिसे आप अपने घर पर ही बेसिक से सामान के साथ बना सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस चटपटे नाश्ते की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।